शायद पंचकुला चंडीगढ़ में कोई ऐसी गाड़ी ऐसी थार ही नहीं होगी तो जो जो ट्रैफिक ना हो तो भी ट्रैफिक बना देते हैं भाई, लाइन में रेस लगाते हैं यार। देखो जी सो रहा है इसका मुंह खोल सैनी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जस्ट बिकॉज कि हम लोग निकलने लगे हैं थार को लेने के लिए, क्योंकि हमारी थार रेडी हो चुकी है और जो अलॉय व्हील्स हैं और जो टायर्स हैं वो वहाँ पे रात को पहुँच गए थे, तो सुबह वहाँ पर बाजी फिट कर देंगे और टेस्टिंग भी सुबह ही हो जाएगी। तो भाई निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है सुबह के 4:02 और हम अपनी कार में अब निकल चुके हैं। तो कार में अपना निकल चुके हैं और अभी अपने फ्रेंड को चकने जा रहे हैं, पिकअप करने जा रहे हैं, जिसकी बाइक की थार है पहले उसको उठाना है, फिर एक फ्रेंड जो लास्ट टाइम जिसको मैंने पिकअप किया था उसको, फिर एक और को, तो तीन बंदों को चक के फिर अपन निकल जाएंगे अपना नोएडा MMG मूविंग मेटल गैरेजेस। जैसे कि आपको पता है, जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा कि हम लोग अपनी थार को लिफ्ट कराने के लिए देकर आए थे। और चलो चलते हैं फिर, वैसे तो अंधेरा सही है, कुछ खास भी है नहीं दिखाने को, तो अभी थोड़ा चलते हैं कुछ आगे, फिर होता है फिर आपको मैं दिखाता हूँ। और भाई बहुत एक्साइटेड है थार को देखने के लिए, तो चलो मिलते हैं फिर आपसे आगे। तो अरे ऑटो स्टार्ट होगी, तो भाई पहुँच गए अपने भाई को लेने और वो आ गया अपना भाई जिस भाई की थार है द मेन पार्टी। तो भाई को बिठाते हैं और निकल जाते हैं। ये गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी गाइस? यस। ये तो भाई एवर रेडी, आप रेडी हैं और अपनी थार को पिक करने के लिए एक्साइटेड है भाई, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में, अरे रुक जाओ गाना जी रुक जाओ, तो भाई अपने पूरे ग्रुप में ही नहीं ऐसा होगा, और तो भाई अपने ग्रुप में ही नहीं ऐसा होगा, और भाई शायद पंचकुला चंडीगढ़ में कोई ऐसी गाड़ी ऐसी थार ही नहीं होगी, तो फिंगर क्रॉस, बस होप फॉर द बेस्ट, मज़ा आ जाए बस गाड़ी देख के। तो आपको भी लेके चलते हैं इसी एक्साइटमेंट के साथ और पहुंचते हैं, और रास्ते में जो होता है आपको दिखाते चलते हैं, मौज कराते चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। जय माता दी, जय माता दी। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया था, भाई को अपने एक को उठा लिया है, अब एक एक करके दो बंदे और रह गए हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। मस्त खाली खाली सड़कें देख के मज़ा आ रहा है यार, पता है यार ट्रैफिक नहीं पसंद है यार बिल्कुल भी, ट्रैफिक जब होता है ना वहाँ पे घटर पटर घटर पटर। अब बढ़िया टाइम पे निकले हैं और बढ़िया टाइम से जाने के लिए ही इसी टाइम पे निकले हैं, ताकि हम ड्राइव अपना ट्रैफिक हमें ना मिले। तो उम्मीद करते हैं कि हाईवे पे भी ऐसे ट्रक वाले हाईवे पे नहीं मिलेंगे जो जो ट्रैफिक ना हो तो भी ट्रैफिक बना देते हैं भाई, लाइन में रेस लगाते हैं यार इकट्ठे चिपका के, चार ट्रक इकट्ठे चल रहे हैं, तुम कितनी भी खींचते आओ हॉर्न मारो वो नहीं हटेंगे। तो होप करते हैं कि ऐसे लोग ना मिलें और खींचो खींच चले की करेंगी तो भाई चलते हैं अब, एक भाई को उठाते हैं, वो भी नींद में हो रहा है वापस, कह रहा भाई मैं सो जाऊंगा लप्पू साथ। तो चलो सैनी को चकते हैं अपने, फिर एक और अपने सोनू को उठाते हैं, उसका नाम सोनू है भाई नेक्स्ट फ्रेंड का, और इस भाई का नाम भाई एहसास वाली है। तो भाई अपन ने सारे बंदों को चक लिया, लास्ट ही हमारा लप्पू, ये लास्ट लप्पू आ गया, मेरे पीछे एक लप्पू और बैठा है ये, और ये हम दो लप्पू। तो राहुल के एक निकल रहे हैं भाई, किस पे टिक तो जाएगा। तो भाई हाँ हाँ, तो भाई निकल रहे हैं अब, रास्ते में कुछ होता है फिर आपको दिखाते हैं। ये लप्पू सिंह तो बना सोने सारा सामान लेके आया, मैं आपको इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, पीछे लाइट होती तो मैं दिखाता, गद्दा गुस्ता लगा लिया भाई ने। चलो चलते हैं फिर आगे, दिखाते हैं इसको सोते की वीडियो बनाएंगे। तो गाइस अभी अभी टैंक फुल कराया, तो जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि यार अब लग रहा है हम लेट ना हो जाए, तो मैंने इसलिए वहाँ पे व्लॉग व्लॉग नहीं करा, फटाफट बस फ्यूल अप कराया और निकल लिया। देखो ट्रिप भी रिसेट कर दिया है मस्त, और अभी एक दिखाता हूँ चीज आपको, वो देखो जी सो रहा है इसका मुँह खोल सैनी। तो भाई अभी रुके थे अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेने,
और भाई अपने ना वॉशर का फ्लूड ख़त्म हो गया, तो भाई पानी डाल रहे हैं अभी के लिए काम चलाने के लिए। तो अभी बोनट खोला था, पानी डालते हैं और फिर निकल जाते हैं अपना आगे। तो पानी भरने के लिए भेजा मैंने, और ये भी खोला हुआ सामान, पानी का बॉटल भेजी है भरने के लिए। तो चलो तब तक फ्रेश हो जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो भाई अब निकल चुके हैं, काफ़ी आगे आ गए अब, और अराउंड 110 किलोमीटर रह गया दिल्ली यहाँ से, और 110 किलोमीटर दिल्ली रह गया, और दिल्ली से आगे हमें अराउंड सेंड कितने किलोमीटर जाना है आपने दिल्ली से एंट्री से? 30 किलोमीटर। तो भाई 30 किलोमीटर तो टोटल में 150 किलोमीटर रहता है। अब हमको आगे आना, तो टोटल में 150 किलोमीटर रहता है भाई। तो अभी चल रहे हैं, तो अभी कुछ 130 किलोमीटर चल चुकी है और 150 और रह गया, बस पहुंच जाएंगे। लिबर्टी की फैक्ट्री है, सस्ते मिलते हैं करनाल। हमें नहीं पता कैसे, हमने तो लिए नहीं, तो लिए बहुत बचपन में लिबर्टी पाया तक। तो चलो चलते हैं, ऐसी मजाक माहौल बना हुआ है, मस्त खाते पीते चल रहे हैं। लाइटर्स लिबर्टी, तो ये जो मेरे पीछे आवाज भी मार रहा है ना, ये जो बोल रहा है इसके बारे में, ये लप्पू लप्पू। तो भाई चलते हैं, अभी मस्त गाने सुनते जा रहे हैं। और ना कहाँ बैठे भाई, देखो भाई। गाइस एक आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो हरियाणा रोडवेज में कई यात्री सफर कर रहे होते हैं, प्लेन वो बहुत ज्यादा सफर में होते हैं और वो सफर कर रहे होते हैं, सफर को चक्कर ये है कि हम लोग ओवरटेक करने लगे थे और राइट साइड से जैसे ओवरटेक करने लगे वैसे एक धमकी मिली, बहुत खतरनाक हुआ। क्या एक आंटी ने अपना मुंह बाहर निकाला और प्रोग्राम सेट कर दिया था बस, तो हमने साइड कर ली गाड़ी अपनी, शप दे के लेफ्ट को, नहीं तो हमारा शीशा फ्रंट शीशा पूरा एकदम साफ कर देते आगे। अभी थोड़ा ब्रेक के लिए रुके थे और भाई वैसे देख रहे थे काफी ज्यादा मर्डर हो गए हैं यार, ये तो मस्त तेरे को टाटा की जगह ना हंडुई की गाड़ी लेनी चाहिए। नहीं उसने उतार के पीछे रख दिया डिग्गी में, फंस रहा था यार। तो भाई अब हो गई है मस्त ब्रेक पूरी, अब निकल रहे हैं आगे की ओर अपनी मंजिल की तरफ। तो भाई अभी रुके हैं मन्नत पे, तो ये रही अपनी गड्डी और लॉक कर देते हैं पहले इसको। तो वो चले गए भाई ये लोग अपना आगे खाने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेते हैं यार आगे जाके, पता नहीं अब क्योंकि सुबह के उठे हुए हैं, अब थोड़ी बहुत तो भूख लगी जाती है इतनी देर में ना। बिस्किट्स वगैरह खा लिए थे बट बात नहीं बनी इधर नहीं, तो सोच रहे हैं कुछ खा लें। तो मन्नत के अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं अपना। अभी अपा ने पराठा खा लिया और कॉफ़ी ले लिया, जैसे कि ये दिख रही होगी आपको, तो सब लोगों ने पी ली। मेरे से भाई पराठा मुश्किल से खाया गया, तो उसका हाँ तो दो दो पराठे खाए हैं, अब देखो आगे क्या होता है। तो अभी सफर लंबा है, 7:30 बजे हैं भाई, और नियर बाय अभी 100 किलोमीटर तो हमें जाना है, तो 10 बजे के करीब हमें पहुंचना पड़ेगा वहां पे। फिर दिखाते हैं आपको थार कैसी लग रही है, चलो चलते हैं फिर आगे। ओके आंटी, तो भाई अपा पहुंच गए थे दिल्ली, एंटर हो गए हैं, और ये हमने फिर मैप लगा लिया, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो अभी हमें अराउंड 55 मिनट लगने हैं, 46 किलोमीटर्स और जाना है अभी यहाँ से, फिर हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन मूविंग मेटल गैरेज पे। तो बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से जाएंगे क्योंकि 10 बजे तक तो ओपन ही होगा शायद, 9:16 तो हमें दिखा रहा है पहुँचने का टाइम। तो स्लो स्लो चलते हैं, आराम से अपनी लिमिट मेंटेन करते हैं, पर यार ये अपने आप ही 60 से ऊपर चली जाती है। चलो फिर चलते हैं धीरे धीरे और पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, फिर दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो भाई अब पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5.7 किलोमीटर रह गया, और भाई ये देखो क्या मस्त पुल बना हुआ है, क्या खतरनाक है यार। गाइस देखना यहाँ पे किसी खोपड़ी काट के रख दी गई है, सर फिर आ गया किसी, और इसके बाल पूरे घुंघराले हैं। भाई पहुंचे हैं जस्ट MMG, और ये खड़ी अपनी थार, और इसमें पाजी ने अपना स्टॉक अलॉय और टायर लगा के इसको टेस्ट वगैरह किया होगा, क्योंकि इसके वाले जो अपने अलॉय या टायर थे वो भेज दिए हम लोगों ने वापस, और इसके अंदर अपग्रेड होने वाला है एक और, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ था, वो भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे ऐसे चुटकी मार के, ये ऐसे ये है वो सरप्राइज़ जो अपनी थार में लगने वाला है।
तो भाई ये जब लगेंगे तब आपको दिखाते हैं आगे का सीन। अभी तो हम जल्दी पहुंच गए हैं, अभी आएंगे यहाँ के अपना लगाने वाले भाई लोग, तो जब वो फिटिंग वगैरह कर देंगे सारा कुछ हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं अपनी फाइनल लुक। तो भाई अपना अलाइनमेंट कराने जा रहे थे तो मैंने सोचा आपको एक क्लिप दिखा दूँ। तो भाई पाजी की गाड़ी का आप सुनने लगे हैं हम एग्जॉस्ट,